हेलो दोस्तों, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी अस्तल बरोत्ता के अंदर पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट्स में पब्लिक एड, संस्कृत, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, इंग्लिश है, ठीक है, कॉमर्स में भी है और पॉलिटिकल साइंस, इन सब में आपकी जो सब्जेक्ट हैं इन सब में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप ये पूछेंगे इनमें सीट कितनी रहती हैं। देखिए, सीधी सी बात ये रहती है कि 20-25 बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं हर सब्जेक्ट में, और ज़्यादातर जेआरएफ बच्चे होते हैं, उनको तो चांस रहते ही हैं, ठीक है, और जेआरएफ भी यहाँ मिलता है। पर सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह हाल है यहाँ पे, किसी और सिफारिश है तो एक अलग बात है, बट जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी में रहता है, आपको आना है, इस तरह की चीज़ें और ये रहती हैं इसमें। और आप ये देख लीजिए, 4-9 आज की डेट से में है ये, और इसमें आप पहले 1,000 रुपये फीस होती थी एडमिशन जो फॉर्म भरने की, अब इन्होंने 2,000 रुपये कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर गेट है, वहाँ पे जाके ऑफिस के अंदर से फॉर्म लेके फ़ीस जमा करवा के कर सकते हो अप्लाई, या फिर आप इनकी जो साइट है www.bme.ac.in ऑनलाइन भी करवा सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीट सभी डॉक्यूमेंट के साथ 30 सितंबर को लास्ट डेट रहेगी। वैसे बढ़ जाती है इनकी, पर आप अभी यह है कि 30 सितंबर 2023 तक इन्होंने लास्ट डेट बोली है। तो जो भी बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि देखो, जिन्होंने पहले किया होगा इजीली हो चुकी है पीएचडी, वो अलग बात है। मैं यहाँ से खुद कर रहा हूँ, तो मेरा जमा मतलब पीएचडी अप्रैल में जमा हुई थी, मेरा अभी तक वाइवा नहीं हुआ, 5-6 महीने हो चुके हैं, और होने वालों का 2 महीने भी वाइवा हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जान पहचान की बात है, पैसे की बात है, जितना पैसा आप दोगे उतना ही आपकी बात आ जाती है इसमें हर चीज़ पर। तो आप देख लीजिए, अगर आपने आप लोकल है, लोकल बंदे के लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो, क्यों उनका तो बच जाएगा। वैसे तो आपका 100 लाख रुपये एडमिशन फीस आपको शुरू में देनी है, फिर 1 लाख रुपये हर साल देनी है, तो ये फीस रहेगी, और 30-35 हज़ार रुपये आपका जेआरएफ आता है, तो आपके वही बात, आपको वहाँ रहना भी पड़े, तो 20-1 हज़ार रुपये 15-20 हज़ार रुपये बच जाते हैं अगर ज़्यादा। और सरकारी में लेते हो तो आपके सारे पैसे बचते हैं वहाँ, तो फीस ही 10-20 हज़ार रुपये होती है टोटल। तो आप अगर इसमें लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी वैलिड है। बस ये है कि बच्चे ये होते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पर आना ना आना एक बराबर, ऐसा नहीं है, यहाँ आपको सरकारी की तरह ही आना पड़ता है, और उसी तरह आपको काम करवाया जाता है बिल्कुल सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह। तो आप देख लीजिए, आपको इतना पैसा देकर अगर इसमें लेना एडमिशन तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।